Good afternoon, students. I am Rita Kumari, HOD, Music Department, RP Science College, Madhepura, under BNMU Madhepura. आज हम BA Part 1 के पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों को गायन शैलियों के बारे में बताने जा रहे हैं. पहले गायन शैलियाँ हैं क्या? गायन का अर्थ होता है ये गाना जो हम लोग समझते हैं. शैलियों का अर्थ हो शैली का अर्थ होता है ढंग तरीका. तो उसके अंतर्गत मैं गायन शैलियों हम लोगों ने गायन को और शैली के बारे में हम लोगों ने जाना. अब हम लोग ख्याल पर चर्चा करेंगे. ख्याल है क्या? कहा जाता है कि ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था. ख्याल का शाब्दिक अर्थ है फारसी भाषा में कल्पना विचार. जब गायक अपने विचार अपनी कल्पनाओं विभिन्न तानों द्वारा आलापों द्वारा राग में रंग भरता है अथवा प्रस्तुत करता है अपने कल्पना से अपने अनुसार, उसे हम ख्याल कहते हैं. ख्याल में राग के अनुसार उसके नियमों के अनुसार आलाप बोल आलाप तान बोल तान आदि किया जाता है. ख्याल दो प्रकार के होते हैं, एक विलंबित ख्याल दूसरा मध्य ख्याल या छोटा ख्याल. पहला विलंबित ख्याल, जब कोई भी गायक राग प्रस्तुत करने जा रहा होता है तो आलापचारी के बाद सर्वप्रथम विलंबित ख्याल की प्रस्तुति करता है. विलंबित ख्याल अर्थात विलंब से जो धीमी गति का हो, जिसकी लय धीमी हो गति धीमी हो, तो उस ख्याल को हम लोग विलंबित ख्याल कहते हैं. इसके तान बड़े बड़े होते हैं, इसके आलाप भी बड़े बड़े होते हैं और गंभीरता लाता है यह राग. इसको प्रायः एकताल तिलवारा आदि में गाया जाता है. विलंबित ख्याल विलंबित लय के बाद छोटा ख्याल की बारी है. छोटा ख्याल या मध्य लय, विलंबित लय के बाद गति तेज होती है और उस बढ़े हुए गति में उस अलग पद इसके बोल उसके विलंबित ख्याल के अलग बोल होते हैं अलग पद होते हैं और छोटा ख्याल का भी अलग अलग पद होता है. तो उसमें प्रस्तुति रहता है और उसमें आलाप तान के विविध प्रकार होते हैं. पहले छोटे छोटे तान आलाप लिए जाते हैं, बढ़े हुए गति में गाया जाता है. इसमें तानों के विभिन्न प्रकार रखे जाते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं वैचित्रता भरने के लिए. तो इसके बाद मध्य ख्याल के बाद या मध्य लय के बाद गति ज़्यादा तेज कर दिया जाता है तो वो द्रुत ख्याल हो जाता है. तो द्रुत ख्याल जब संपन्न होता है एक धापर संपरा के, तो इसके बाद हम लोग तराना की प्रस्तुति करते हैं या कोई भी गायक या कोई भी कलाकार तराना की प्रस्तुति करता है. वो भी एक प्रकार की गायन शैली है. जैसे ख्याल गायन शैली है वैसे ही तराना भी गायन शैली है. तराना में भी पहले तराना का आविष्कार किया किसने? कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने किया. अमीर खुसरो को संस्कृत भाषा आती नहीं थी तो वो घबराता था कि कैसे मैं इसकी प्रस्तुति रखूं, संस्कृत समझ में नहीं आती थी. तो उसके एक दो शब्द जोड़ तोड़ करके निरर्थक शब्द जैसे हैं दा रे तनाना तद्रेना इत्यादि इत्यादि जिसका कोई अर्थ नहीं, इसको मिला करके उन्होंने पद की रचना की और उसको ताल में राग में बांध करके उन्होंने प्रस्तुत किया. प्रायः जिस ख्याल में विलंबित जिस राग में विलंबित ख्याल मध्य ख्याल इसके बाद तराना इसकी बारी आती है उसी ख्याल में अक्सर लोग प्रस्तुत करते हैं.
कुछ कलाकार अलग भी करते हैं किंतु एक सिस्टमेटिक ढंग से उस एक ही राग में विलंबित लय, मध्य लय, द्रुत लय, इसके बाद अति द्रुत में तराना गाया जाता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे गायन शैलियों के अंतर्गत ख्याल और तराना। तराना में भी तान लिया जाता है, इसमें भी आलापचारी तान इत्यादि का प्रयोग होता है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।